एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न जर्मन विद योगिता। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं अपना ग्योथे सर्टिफिकेट आइंस श्राइबन टाइल आइंस। तो हम आज बात कर रहे हैं श्राइबन टाइल आइंस की। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ वर्ड्स नोट करके रखे हैं जो आपको एक फॉर्म भरने में काम आएंगे। तो बेसिकली श्राइबन टाइल आइंस में क्या होता है कि हम एक फॉर्म भरते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम एक फॉर्म भरते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम वहां पर देखते हैं, हमें समझ नहीं आता उनका मतलब क्या है, और इसलिए मैक्सिमम हम फॉर्म को गलत कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी, फॉर्म बहुत इजी होता है, उसके आंसर्स पहचानने बहुत आसान होते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ और उसके बाद मैं आपको शो करूंगी एक फॉर्म का पैटर्न। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे मैंने पहला वर्ड लिखा है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है मेरा फॉर्म जो आपको एग्जाम में भरना है, और यही मेरे श्राइबन टाइल आइंस का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद मेरा वर्ड है फमिलियन नाम। फमिलियन नाम, फमिलियन नाम होता है मेरा लास्ट नेम या मेरा सरनेम। फमिलियन नाम, फमिलियन नाम की जगह हम नाखनामा भी यूज कर सकते हैं। नाखनामा वो भी मेरा सरनेम होता है, मेरा लास्ट नेम होता है। उसके बाद मेरे पास होता है फोरनामा। फोरनामा मेरा फर्स्ट नेम। पोस्ट लाइट साल, पोस्ट लाइट साल, पोस्ट लाइट साल होता है मेरा पोस्टल एड्रेस, मेरा पिन कोड। उसके बाद स्ट्रासा होती है मेरी स्ट्रीट, या कि किस स्ट्रीट में मैं रह रही हूँ, मेरी स्ट्रीट। हाउस नूमर, हाउस नूमर, सो हाउस नंबर मेरा हाउस नंबर, मेरा वहां पर जब आप एक फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ये मेंशन होता है। वोन ओट, वोन ओट, तो वोन ओट मेरी वो सिटी, वो शहर जहां पर मैं रह रही हूँ। उसके बाद टेलीफोन, टेलीफोन, सो बेसिकली टेलीफोन में आपको टेलीफोन नंबर देना है, सो टेलीफोन नूमर, टेलीफोन नंबर। हैंडी, हैंडी नूमर, हैंडी नूमर, मोबाइल नंबर। उसके बाद आपका बेरूफ, आपका प्रोफेशन, आप क्या करते हैं। थेमिन, अब वेरी इंपॉर्टेंट, कई हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि थेमिन होती है अपॉइंटमेंट्स या टाइम, लेकिन जब हम एक फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास कुछ टाइम स्लॉट दिए जाते हैं, तो हमने उन्हीं टाइम स्लॉट में से ढूंढ के अपनी थेमिन भरनी है, अपना टाइम भरना है कि कब हमने जाना है या कब हमने कोई कोर्स ज्वाइन करना है, तो वो हम थेमिन में भरते हैं टाइम। उसके बाद गेबुट्स धातुम, गेबुट्स धातुम, सो गेबुट्स धातुम होता है मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरी बर्थ डेट क्या है। उसके बाद गेबुट्स ओट, गेबुट्स ओट, गेबुट्स ओट होता है मेरा, मेरी प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ, कौन सी जगह में पैदा हुई हूँ, कहाँ मेरा बर्थ हुआ है। इसके अलावा मेरे पास दो चार शब्द और होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं मुझे जानने, तो हम यहाँ देखते हैं। मैं यहाँ पर बात करती हूँ मेरी मूठश्प्राख, सो मेरी मूठश्प्राख होती है मेरी मदर टंग या मेरी मदर लैंग्वेज, जैसे हमारी मूठश्प्राख हिंदी है, सो मेरी मदर टंग, सो मदर टंग, मदर टंग। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हॉबीज, हॉबीज कभी समटाइम आ जाता है हॉबीज, तो हॉबीज हमें पता है मेरी हॉबी। और उसके बाद सालुंग, सालुंग, सालुंग्स वाइजर, सालुंग्स वाइजर होती है मेरी मोड ऑफ पेमेंट, मेरी मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट मैं कैसे पे कर रही हूँ, मैं कैसे पे कर रही हूँ, मोड ऑफ पेमेंट। उसके बाद और जो कुछ शब्द आपके एक फॉर्म के अंदर आ सकते हैं वो है अंसाल, अंसाल, अंसाल डेयर फेजोन, या अंसाल डेयर फेजोन। सो अंसाल डेयर फेजोन होता है नंबर ऑफ पर्सन, कि हम एक फॉर्म में कितने लोगों की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ सो दैट आप लोग नोट कर सके, अंसाल डेयर फेजोन होता है नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग इस फॉर्म में है, कितने लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे
यहाँ पे जो कुछ चीजें होती हैं, बेसिकली क्या होता है, समटाइम हम ना एक कुछ टाइम स्लॉट देखते हैं एक फॉर्म के अंदर। तो आज मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक करवा रही हूँ, टॉपिक करवा रही हूँ, जिसमें हमें पता हो मेरा कौन सा टाइम स्लॉट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बात करती हूँ फोन जेक्स बिस नाइन, फोन जेक्स बिस नाइन हुआ, तो ये मैं बात कर रही हूँ सुबह 6 से 9 बजे के। तो ये मेरा जो टाइम है, ये टाइम स्लॉट है, ये काउंट होता है मॉर्गन में। मॉर्गन में हम कहते हैं गुटन मॉर्गन, तो ये टाइम स्लॉट काउंट होता है मॉर्गन में। तो हम फोन जेक्स बिस नाइन हुआ, दैट इज मॉर्गन, तो ये मॉर्निंग का टाइम है। उसके बाद जो मेरा 9 to 12 का टाइम होता है, 9 to 12 का टाइम होता है, वो होता है फॉर्मिटाखा। तो वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सम टाइम क्या होता है, एक फॉर्म में टाइम स्लॉट आते हैं और ऐसे ही करके टाइम स्लॉट दिए होते हैं कि 9 से 12 या 12 से 14, तो हमें वो पहचानने होते हैं कि वो टाइम स्लॉट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम स्लॉट जो रहेगा वो रहेगा फोन सोल्व बिस फियत सेन, फोन सोल्व बिस फियत सेन, फोन सोल्व बिस फियत सेन होता है मिठाप का। उसके बाद फोन फियत सेन बिस आक्सेन, ये होता है नाक मिठाप का। सो हम इसको एज ए इवनिंग में काउंट करते हैं नाक मिठाप का। उसके बाद फोन आक सेन बिस स्वाई उन स्वांसिश हुआ, फोन आक सेन बिस स्वाई उन स्वांसिश हुआ, तो ये टाइम काउंट होता है आवेंट के अंदर, आवेंट के अंदर। उसके बाद फोन स्वाई उन स्वांसिश बिस जेक्स हुआ, तो ये टाइम काउंट होता है नाक्ट के में, नाक्ट में। और उसके बाद अगेन फोन जेक्स बिस नाइन, ये होता है मॉर्गन में। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम फॉर्म के अंदर ऐसा ही कुछ आता है कि मार्कुस कोर्स करना चाहता है 9 to 12 के बीच में, या मार्कुस कोर्स करना चाहता है फॉर्मिटाक में, और नीचे ऑप्शंस में हमें टाइम दिया होता है 9 to 12, 12 to 14। अगर मुझे ये टाइम स्लॉट ना पता हो तो मैं आंसर गलत कर दूंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फोन जेक्स बिस नाइन हुआ दैट इज मॉर्गन, फोन नाइन बिस वॉल्फ हुआ फॉर्मिटाक, फोन वॉल्फ बिस फियत्सिन हुआ दैट इज मिठाक, फोन फियत्सिन बिस आक्सिन हुआ दैट इज नाक मिठाक, फोन आक्सिन बिस स्वाइन उन स्वांसिश हुआ दैट इज आवेंट, देन फोन स्वाइन उन स्वांसिश हुआ बिस जेक्स हुआ दैट इज नाक्ट, उंड फोन जेक्स बिस नाइन हुआ दैट इज मॉर्गन। तो मुझे इस टाइम स्लॉट का ध्यान रखना है। तो ये कुछ वो इंपॉर्टेंट शब्द थे जो एक फॉर्म के अंदर आते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ फॉर्म का एक पैटर्न, इसको बड़े ध्यान से देखना है, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो प्लीज हैव अ लुक फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर है श्राइबन टाइल आइंस का फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कुछ नेम्स जो ऑलरेडी हमने कुछ यहाँ पर वर्ड्स किए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल फमिलियन नामा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि फमिलियन नामा मेरा लास्ट नेम या मेरा सरनेम। उसके बाद मेरा फोनामा, फोनामा मेरा फर्स्ट नेम। उसके बाद मेरी गेबुट्स डेटम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, गेबुट्स ओट मेरी प्लेस ऑफ बर्थ, डान मूथिश प्राख मेरी मदर टंग मेरी लैंग्वेज, अंडरिश प्राख जो मेरी कोई दूसरी लैंग्वेज है अगर मुझे आती है। उसके बाद शोनथॉय स्केलैंड, तो वो हमसे पूछ रहा है कि क्या ऑलरेडी आपने करी हुई है। उसके बाद वी लांग, तो वी लांग वी नो दिस इज अ क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग कितने टाइम या कितनी देर तक। देन खुर्स थेमीन, थेमीन अभी अभी हमने सीखा था वो टाइम जो हमने उसको बताना है, और खुर्स साइट कौन सा उसका टाइम है। तो अब हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास मिसिंग है उस चीज को पढ़िए
और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में पढ़िए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें जो नंबर वन इंफॉर्मेशन बतानी है वो है उसकी गेबुट्स ओट, कहाँ वो पैदा हुआ है। नंबर टू, आंडरेश प्राख, कौन सी लैंग्वेज उसने सीखी है या पढ़ी है। उसके बाद विलांग, वो टाइम कितना देर उसने सीखा है। नानखुट स्टेमिन, वो टाइम स्लॉट वो कब सीखना चाहता है। और खुर्स साइट कितने बजे। ठीक है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन मिसिंग है और मुझे यही इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। तो गेबुट्स ओट कौन सी हो सकती है। तो हम यहाँ देखते हैं, फर्स्ट लाइन पे अगर आप देखेंगे मुझे यहाँ पे टू जगहें मिल रही हैं। फर्स्ट सेंटेंस मुझे मिल रही है फ्रांक राइश, और सेकेंड लाइन पे अगर हम कोई और जगह देखने लगते हैं तो हमें सेकेंड जगह मिल रही है लियोन। लियोन, तो फ्रांक राइश और लियोन मेरे पास दो जगहें हैं। अब ऑब्वियसली फ्रांक राइश के आगे लगा हुआ है आउस, तो आउस इसका मतलब वो उसकी कंट्री है, और लियोन के नीचे लगा पे आगे लगा हुआ है इन, तो ऑब्वियसली इन मैं सिटी के साथ यूज करती हूँ, तो मेरी गेबुट्स गेबुट्स ओट क्या है, लियोन। उसके बाद मेरी मोटेश प्राका हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, फ्रांसियोजिश धान। उसके आंडरेश प्राखा कौन सी उसकी दूसरी लैंग्वेज है जो उसने पढ़ी है। तो यहाँ पर वो बात क्या कह रहा है कि आप ऑब्वियसली उसने दो लैंग्वेजेस के बारे में बात करी है। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर कहता है कि जी हार्ट शोन जेक्स मोनाटा थॉइच गेलेंट, तो उसने ऑलरेडी जर्मन 6 मंथ के लिए की हुई है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ एक आंसर और मिल गया, जेक्स मोनाटा, तो उसने ऑलरेडी जर्मन 6 मंथ के लिए सीखी हुई है। और नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है इंडिया शूलर हाट जी इंग्लिश गेलेंट, तो स्कूल में उसने क्या सीखी है, जो फ्रेंच के अलावा जो दूसरी लैंग्वेज उसने सीखी है वो है इंग्लिश, क्योंकि ये लैंग्वेज उसने स्कूल में सीखे हैं। दैट मीन वो उसको सीखता आया है, एक लंबे टाइम तक सीखता आया है, और जो जर्मन है, जो डॉयच है, उसने सिर्फ 6 मंथ सीखी है, तो उसकी आंडरेश प्राखा क्या है, इंग्लिश। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है शोन हाइट की लेंथ क्या उसने सीखी है, तो आंसर इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है या। उसके बाद वी लांग, तो अभी अभी हमने यहाँ पढ़ा जैक्स मोनाटा डॉयच की लेंथ, तो कितने मंथ उसने सीखा है, 6 मंथ उसने अपनी जर्मन सीखी है। उसके बाद हमसे वो पूछ रहा है कुर्स थेमीन, तो थेमीन हमने देखा था कि वो टाइम वो स्लॉट, तो हमें एग्जैक्ट टाइम तो हमारे पास नहीं है लेकिन एक स्लॉट है, कौन सा, फॉर्मेटाग हमारे पास स्लॉट है, तो कुर्स्टेमिन क्या रहेगी उसके, फॉर्मेटाग। और फॉर्मेटाग का टाइम हमने क्या सीखा था, तो कुर्स साइट पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, फोन नॉइन बिस वॉल्व, फोन ड्राइसन बिस जेक्सेन हुआ, फोन जीप्सन बिस स्वांसिश हुआ, तो फॉर्मेटाग का टाइम हमने सीखा था फोन नॉइन बिस वॉल्व हुआ, तो मेरा आंसर क्या है, फोन नॉइन बिस वॉल्व हुआ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे मार्क करने वाला ऑप्शन आ जाएगा वहां पर आप टिक नहीं करेंगे, वहां पे आप क्रॉस करेंगे। मैं दोबारा कह रही हूं, जहां पे मार्क करने का ऑप्शन आ जाएगा वहां पर आप टिक नहीं करेंगे, वहां पर आप क्रॉस करेंगे। अगर आप ये सारी चीजें इजीली कर लेते हैं, आपको चीजें समझ आ जाती हैं, तो आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला इजीली आप उसको क्लियर कर सकते हैं, फुल नंबर के साथ क्लियर कर सकते हैं, अगर आपको वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हमने थोड़ी देर पहले सीखे हैं वो आपको सारे के साथ। फ्रेंड्स, आई होप अब आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि एक हम फॉर्म को कैसे भरते हैं, कौन कौन से मेरे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। अब आप एग्जाम में कोई गलती मत करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या आपको मेरी वीडियो से फॉर्म का पैटर्न पता चल गया हो, तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।